नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल बालाजी चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक या दो अमेज़ोन की ऐप या फिर दो यूट्यूब किस तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों, यानी कि मल्टी अकाउंट इसको बोलते हैं, कि कैसे आप मल्टी अकाउंट, एक से ज़्यादा आप अकाउंट बनाकर अपने फ़ोन पर चला सकते हैं। दोस्तों, तो मल्टी अकाउंट चलाने के लिए दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है मल्टीपल अकाउंट्स। आप इसका लोगो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी इसमें परमिशन अलाउ मांगते हैं आप उसको अलाउ कर देना। जैसा कि अभी मैंने इसके अंदर यूट्यूब, क्रोम और अमेज़ोन शॉपिंग और गूगल पे, यानी इनके मैंने क्लोन बना रखे हैं। यानी कि ये यूट्यूब मेरे फ़ोन में दो चलेंगे, क्रोम मेरे फ़ोन में दो चलेंगे, गूगल पे और अमेज़ोन दो दो चलेंगे। अगर आपको भी एक से ज़्यादा चलाने, यानी दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप प्लस का आइकन देख पा रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें क्लिक करते हैं जो भी एप्लीकेशन है वो सारी आपको इसमें शो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गई, आपको जो भी एप्लीकेशन लेनी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए इसमें से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं पेटीएम ले लेता हूँ, तो पेटीएम पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा ये एडिंग होगा आपका, तो इस पर लिखा भी है प्लीज़ होल्ड, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को ये वाला पेटीएम चलाना है, यानी कि ये क्लोन बन गया है। और इस पर देखिए मल्टी अकाउंट का साइन भी आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये क्लोन बन रहा है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि क्लोन बना रहे हैं। तो ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ये देखिए पेटीएम ऐसे ओपन होगा, ये दोबारा से लॉगिन मांगेगा, यानी कि ये मेरा फ्रेश नया अकाउंट बना है, ये दोबारा से लॉगिन मांगेगा इस तरीके से, देखिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक ये अकाउंट बन गया, इसमें मेरे को लॉगिन करना होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरा पहले से ही है, ठीक है दोस्तों, ऐसे हो गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप चाहें तो दोस्तों इसी तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का भी क्लोन बना सकते हैं। जैसी जिस ऐप का आपको क्लोन बनाना है आप उसका बना लीजिएगा। तो मल्टी अकाउंट मैंने क्रोम का बनाया हुआ है। अब ये देखिए क्रोम मैंने ओपन किया, ये क्लोन इसका तैयार हो रहा है, रेडी हो गया। अब ये देखिए ये फ्रेश अकाउंट बन चुका है। अब इसमें मेरे को फिर से वो दोबारा से एक्सेप्ट करना होगा, आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सारे मांगेगा, यानी कि ये दो हो गए हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अपना पहले वाला ये देखिए आपके सामने खोल लेता हूँ। ये मेरा डायरेक्ट खुल जाएगा क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप दो क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अमेज़ोन का दिखाता हूँ। ये मैंने अमेज़ोन पर क्लिक किया, जय हिंद दोस्तों।